हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईगल स्काई एकेडमी। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लें, जिसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी और उसमें ग्रेट हिमालयस के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा इसमें हम अपना सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आज हम करेंगे लेसर हिमालयस और आउटर हिमालयस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें, ठीक है, तो उसकी जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर पे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने जो हमारा कल का लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, ग्रेटर हिमालयस के बारे में पढ़ा था हमने। यहाँ पे पढ़ा था हमने ग्रेटर हिमालयस में जो हमारे पीक्स हैं, ठीक है, नामचा, वारवा वगैरह, और जो भी इसके जितने इसके यहाँ पे पासिस है, शिवकला पासिस, ठीक है ना, और बाकी कौन सी हाईएस्ट पीक है, ठीक है, इंडिया की कौन सी हाईएस्ट पीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कंचनजंगा, K2, और जैसे K2 की हाइट जो है वो कंचनजंगा से ज्यादा है, बट जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो विवाद चल रहा है, क्योंकि जो हमारा K2 है वो पीओके में ऑक्युपाइड करता है, मीन्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है वो, तो उसमें कोई भी ये उसमें अभी विवाद चल रहा है कि जो हमारा K2 है वो किसका पार्ट है, हमारे इंडिया का पार्ट है जहाँ पाकिस्तान का, तो उसके ऊपर ये विवाद चल रहा है। तो इसलिए जो हमारे इंडियन का सबसे हाईएस्ट जो हमारा पीक माना जाता है वो है हमारा कंचनजंगा, बाकी जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम जो इससे नीचे जो इसके साउथ में जो रेंज आती है, यानी लेसर हिमालयस, आज जिनको हम हिमाचल हिमालयस भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे हिमाचल आ जाता है, और यहाँ पे आगे हमारा उत्तराखंड आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे टिक करके बता देता हूँ, कलर चेंज करके रेड कलर से करूंगा मैं यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे हिमाचल आ जाएगा, और ये हमारा नेपाल के पास काली रिवर के साथ ही हमारा उत्तराखंड आ जाएगा, ठीक है। तो आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे लेसर हिमालयस आर हिमाचल हिमालयस एंड शिवालिक्स आर आउटर हिमालयस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज का जो हमारा है लेसर हिमालयस और हिमाचल हिमालयस के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको जो एग्जामिनर है हमें एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ये आपने क्या करना है, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि आपने जब भी मैं लेक्चर लेके आऊँ आपने एक नोटबुक कॉपी ले लेनी है, क्योंकि जो भी मैं इसमें मेन पॉइंट्स बताऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, और वो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। एंड आई होप आपको मेरे लेक्चर जो हैं वो हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो सबसे पहले इसका पहला लेक्चर देख लें, और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती रहेगी। और अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसकी हाइट होगी, ठीक है, इसमें रेंजेस कौन सी आती हैं, और इसमें हिल स्टेशन कौन से कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है लेसर हिमालयस, और इनको हम हिमाचल हिमालयस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही होगी, तो इसका जो ये वाला पार्ट है पूरा जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सारा का सारा आपका हिमाचल पार्ट है, ठीक है, सारा का सारा हिमाचल पार्ट है। और इसी में जो रेंजेस हमारी आती हैं, पहले तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो टोटल हाइट है वो है 1000 से 4500 के बीच में जो इसकी हाइट है टोटल है, लाइज करती है, ठीक है। तो 1000 से 4500 मतलब कि 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर या 4.5 किलोमीटर की मैं ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, तो इतनी उसकी हाइट है। तो बाकी जो इसकी विथ है स्टूडेंट्स, तो विथ जो है इसकी वो है 50 से 150 के बीच में लाइज करती है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये आपने आराम से कॉपी पे लिख देने हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप तो वो इन्हीं क्वेश्चन पे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद जो उसमें रेंजेस लाई करती हैं, ठीक है, इसमें जो रेंजेस लाई करती है वो है पीर पंजाल रेंज, यहाँ पे ये जो हमारी है ये हमारी पीर पंजाल आएगी, फिर दोला दरंड आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और महावत रेंज, ये भी हमारी हिमाचल हिमालयस में आती है, ठीक है। तो हमारी जो तीन रेंजेस हैं, और इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट रेंज है वो है हमारी पीर पंजाल रेंज। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी लेसर हिमालयस है उसमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट और इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी है, तो इसका जो आंसर रहेगा स्टूडेंट्स तो वो है हमारा पीर पंजाल रेंज, ठीक है। बाकी इसमें दो रेंजेस और हैं, जैसे दोला रंडागी और महावाते रेंजेस,
तो ये तीन रेंजेस इसमें लाई करती हैं। उसके बाद जो हमारे हिल स्टेशन हैं हिमाचल हिमालयाज में, ठीक है, तो आप में से बड़े सारे बच्चे वहां पे घूमने में गए होंगे कुछ, ठीक है। जैसे आप सबको पता है शिमला कितनी अच्छी जगह है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो इसमें जो हिल स्टेशन आते हैं, शिमला आती है, डलहौजी आ जाता है, दार्जिलिंग आ जाता है, ठीक है, मसूरी, नैनीताल, तो ये बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव प्लेसेस है वहां पे, तो ये भी आपको पूछ सकते हैं। यात्री टाइप में जैसे कि आपको 4 हजार टाइप दे देंगे तो आपको बोलेंगे इसमें से लेसर हिमालयस के जो हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं और जो भी हिल स्टेशन है तो इनमें से उसको टेक करिए। तो स्टूडेंट्स ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ, इसकी जो हाइट होगी या इसमें जो भी रेंजेस आती हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपने आराम से इनको लिख देना है। बाकी देखो शिमला, सब शिमला का नाम सुनते ही सबका मन खुश होता है, क्योंकि अब जैसे कि गर्मियां आ रही हैं, ठीक है, तो शिमला में तो ठंडी ठंडी हवा चलेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ वैलीज भी आ जाती हैं इसमें, जैसे कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा वैली, ठीक है, ये सारी सारी हमारी लेसर हिमालयाज में आती है। तो उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा शिवालिक्स और आउटर हिमालयस, ठीक है। तो शिवालिक्स कौन से हैं और आउटर हिमालयस कौन से हैं, ये दोनों एक ही हैं। आउटर हिमालयस क्यों हैं, अब यहाँ पे हम पीछे देख लेते हैं डायग्राम में। आउटर हिमालयस इसलिए हैं क्योंकि ये सबसे लास्ट में है, ये सबसे बाहर है, तो इनको इसलिए हम क्या बोलते हैं, आउटर हिमालयस बोलते हैं। और शिवालिक्स क्या है, साउथ किसके हैं, टू द साउथ ऑफ लेसर हिमालयस। अब ये बीच में, ये हमारा ग्रेटर हिमालयस, यहाँ पे मैं आपको क्या बताता हूँ, या यहाँ पे आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं हाँ यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे जो ऊपर लाइन है ये हमारी ग्रेटर हिमालयस की जा रही है। अब जो बीच में सैंडविच है, सैंडविच बना हुआ है, तो बीच में जो रेंज है वो है हमारी लेसर हिमालयस की, और सबसे लास्ट ही रहेगी जो आउटर हिमालयस, उनको हम बोलते हैं शिवालिक्स। और मैंने इनको आपको कल भी एक चीज बताई थी कि इनको ही हम क्या बोलते हैं, जम्मू हिल्स भी इनको ही बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए पढ़ते हैं अब शिवालिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये सबसे आउटर मोस्ट हिमालयस की रेंज है। उसके बाद जो उसकी हाइट है वो कहाँ से कहाँ वैरी करती है, तो इसकी हाइट है 900 से 1100 मीटर में वैरी करती है इसकी जो हाइट है, ठीक है। आई होप आपको मेरा एक एक जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके हमारे शिवालिक्स है, ठीक है। और इनको आप जम्मू हिल्स भी पूछ सकते हैं आपको, वो कि जम्मू हिल्स इनमें से कौन से हैं, तो आपको वो जाकी टाइम में ऑप्शंस दे सकते हैं, शिवालिक्स दे दिए उन्होंने, हिमाचल हिमालयस दे दिए, तो इस तरह के आपको वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आता है इसकी विथ कितनी, तो इसकी विथ है स्टूडेंट्स वो है हमारी 10 से 50 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद वैलीज कौन सी इसमें आती हैं, जैसे अभी हमारे शिवालिक्स में बहुत एक मेन चीज डूंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, डूंस बोलते हैं, तो वो यहाँ पे लाई करते हैं। जैसे वैलीज लाइज बिटवीन शिवालिक्स एंड लेसर हिमालयस हिमाचल का डूंस। अब क्या है, जो वैलीज हैं जो किसके किसके बीच में लाई करती हैं, शिवालिक्स और आउटर हिमालयस और लेसर हिमालयस के बीच में जो भी वैलीज हमारी लाई करती हैं उनको हम बोलते हैं डूंस बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें अब डूंस क्या होते हैं, दो पहाड़ियों के बीच में, दो रेंजेस, दो ये दो पहाड़ियों के बीच में जो भी ये प्लेस आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, डूंस फॉर्म, इसको डूंस फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन से जगह आते हैं, जैसे देहरादून आ गया आपका, ठीक है, कोटली दून आ गया, पतली दून आ गया, तो ये तीन दून जो है ये हमारे शिवालिक रेंज और लेसर हिमालयस रेंज के बीच में जो आती है ये उनके नाम है, ठीक है। तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है डिफरेंट डिफरेंट कलर से, तो आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पे इसको अच्छे से लिख देना है, ताकि एग्जाम में अगर कभी भी एग्जामिनर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपने क्या उसका आंसर फटाफट आप दे सको, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड आई होप आपको मेरी हर एक बात अच्छे से समझ आ रही होगी। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी लेक्चर में कुछ दिक्कत आ रही होगी या कुछ चीज आपको समझ ना आ रही हो तो प्लीज आप कमेंट में इसको लिख सकती हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस यही था, जिसमें हमने आउटर हिमालयस और लेसर हिमालयस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा स्टूडेंट्स, तो उसमें जो हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा है पेनिनसुला पार्ट, ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा। पेनिनसुला जो पार्ट है वो कल हम कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद
स्टूडेंट्स हमारे जो प्लेन्स आएंगे, पहले हम पेनिनसुलर प्लेन्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा प्लेट्यूज आ जाएंगे, पेनिनसुलर के डेक्कन प्लेट्यू क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है, ठीक है। तो फिर उसके आगे हम रिवर्स वगैरह पढ़ेंगे, तो ये सब कुछ हम धीरे धीरे ये जो हमारी फिजियोग्राफी है इसको हम खत्म कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट जीएस का जो हमारा पोर्शन रहेगा उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वो अप टू डेट रहें जब भी हम कोई वीडियो डालें, ठीक है। और साथ ही जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन सभी के लिए ये फ्री सोर्स रहेगी, तो हमसे जितना हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो उसके साथ बेल आइकन है उसको प्लीज प्रेस कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है बड़े सारे बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है बट उनको नोटिफिकेशन नहीं जाती है, तो सब्सक्राइब करने के बाद आपने जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है, क्योंकि उससे क्या होगा आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तक जो नोटिफिकेशन वो आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस यही था, थैंक यू सो मच।